हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक बैठ पाटे, मगर बिस्मा ठीक नहीं है। हम तो ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, मगर बिस्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और कल मैं वीडियो नहीं बना सकी, कल हमें जाना था अफ्तार पार्टी में, हम लोग वहाँ गए हुए थे अम्मी के, और कल वीडियो मैं नहीं बना सकी। इसकी बहुत बुरी हालत थी, डॉक्टर क्या हमने दिखाया, होम्योपैथिक किया, उसको नहीं फ़र्क पड़ा। बिस्मा उठ के बैठो, ये देखो लेटी हुई है, उठ के बैठो, ये निकालो कपड़ा मुँह से। मैं भी आपको बैग से दिखाती हूँ, ये देखें। आप सोच रहे हो कपड़ा क्यों लगा रही है, भाई आप देखें इसका मुंह। इसका पूरा ये मुंह आ रहा है, ये देखें, बहुत तकलीफ़ हो रही है बच्ची की। होम्योपैथिक से जो है ना, पता नहीं क्यों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ड्रॉप दिखा ना, ड्रॉप भी डाल रही है, दवाई भी खा रही है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज मैं इसको अब ये दोपहर में लेके जाऊँगी दूसरे डॉक्टर के ना, जहाँ से हम सबको जो है ना दवा लगती है एलोपैथिक की, होम्योपैथिक की पता नहीं क्यों नहीं लग रही इसको अलग है। परसों दवाई लेकर आइए, कल भी दिखा कर आइए। एस्ट्रो से खा रही है, देखिए अभी मैंने इसके लिए खिचड़ी बनाने रखी है, वही मैं आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल लिक्विड की तरह मैं बना दूंगी खिचड़ी, ताकि एस्ट्रो से खा ले, इससे बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया जा रहा। आप लोग दुआ करें इसके लिए, वो जो है ना रमज़ान के दिन चल रहे हैं, कि इसको बच्ची को सही हो जाए। पता नहीं क्या हुआ, मैदे की गर्मी हो गई शायद, ये इस वजह से मुंह में छाले हुए हैं। ये निकालो कुछ बोलो, ये कपड़ा यूँ रखा हुआ है इसने, कि ये जो है ना, बताओ यूँ रखा हुआ है कि ये जो साइड पे छाला हो रहा है ना मोटा वाला, उस पर ये मुँह बंद नहीं कर सकती, दाना वो दाने कह रही हूँ दाँत से ना लग रही है। कपड़ा यूँ रखा है मैंने कि ये मुँह बंद कर सके, मुँह बंद नहीं हो ना दाने की वजह से तकलीफ़ हो रही है। अब इंशाल्लाह 2 बजे डॉक्टर आएगा, हमें डॉक्टर, तो मैं इसको ले जाके दिखाऊंगी। दर्द से बुखार रही हो, मैं आप लोग जो है ना दुआ करें इसके लिए कि जल्दी से अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो मैं अब जो है ना खिचड़ी चढ़ाने जा रही हूँ मैं इसके लिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी खिचड़ी मैं इसको किस तरह बनाती हूँ, किस तरह खिलाती हूँ जल्दी जल्दी। एस्ट्रो से पीती रहेगी जो है ना दही डाल के, और मैंने इसके लिए तरबूज भी काट कर रखा, वो भी नहीं खा रही। दही डाल दिए, चीनी डाल के, वो भी नहीं खा रही। क्यों आ रही है उल्टी? फील ही नहीं करो कि दाने, ये घिन खा रही है अपने मुंह से कि सब हलक में चले जाएगा, मैं कुछ नहीं खा रही। सही, तो दुआ का बोलो। दुआ करिएगा आप लोग कि मैं जल्दी सही हो जाए, ऐसा बिल्कुल बोला नहीं जा रहा है। ये देखा, ये जो दांत है ना, ये इधर टच हो रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है ऐसे। तो जी देखिए गाइस, ये मैंने प्याज ब्राउन होने रख दी है, ये खिचड़ी बन चुकी है बिस्मा की। एक मिनट दिखाना बेटा, अब मैं इसको खाना खिलाऊं जाके। ये देखें, सुबह से उठ के बस मैं यही कर रही थी कि अच्छे से मैंने घोटा लगाया। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है, दाल ज़्यादा है, चावल कम है। देखिए आपको बिल्कुल भी दाल नज़र नहीं आ रही है ना, मैश कर दी मैंने। अब मैं इसको खाना खिलाती हूँ, चल के चले आप, मैं आप भी चलिए साथ साथ। ये तड़का लगा दो थोड़ा सा इसका, बिल्कुल फीका खाना खिलाना, क्योंकि इसके जो है ना पानी भी लग रहा है। तो आप लोग दुआ करें कि जो है ना इसकी दवाई से फ़र्क हो जाए, जहाँ से मैं लूँगी अब इसकी दवाई। बस ये कि इसको इससे देखा नहीं जा रहा, मेरे से देखा नहीं जा रहा। बेचारी बच्ची भूखी है, जैसे बड़े भूख तो लग रही है ना। अब ये कि बस ये दवाई से आराम आ जाए बच्ची की। प्याज का मैं तड़का लगा दूंगी, थोड़ा जीरा डाल दूंगी। कुछ तो पेट में जाए ना उसके। मैंने बच्ची बेचारी मेरे पूरे रोज़ा रखती थी, अब कैसे शुरू में सिर्फ 2-3 रोज़ा रखे हैं बस। फिर तबीयत ख़राब हो गई इसकी, मैदे का प्रॉब्लम हो गया, मैदा थोड़ा सही है तो वो जो है ना इसके मुंह में छाले हो गए। चले फिर अंदर चलते हैं। ये देखिए मैंने भगाल लगा लिया इसकी खिचड़ी में। बेटा उठ जाओ जल्दी, ये देख खड़ी हो, खिलाओ। ये अचानक से बारिश का मौसम हो गया है, कल मैंने लगा ली थी मशीन, ये देखें मौसम कैसा हो गया अचानक ना। ये कपड़े आधे सूख गए मेरे, आधे मैंने रख दिए अंदर। ये है, ये रही सफाई कर रही स्कूल से आके बच्ची मेरी। सही है, सफाई हो चुकी है, पोछा बकाया है, लाइट हमारी गई हुई है,
सुबह 8 बजे से 1:45 का टाइम हो गया। यहाँ बहुत परेशानी है लाइट की, लोगों के यहाँ जो है ना गैस की परेशानी है, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ गैस की परेशानी नहीं है, तो यहाँ जो है ना लाइट की बड़ी परेशानी है। टाइमिंग की तो जाती जाती है, टाइमिंग के अलावा भी जाती है। बेटा ये एस्ट्रो से नहीं खाना, मैं तो मजाक कर रही थी, चम्मच से खाओ। तो ये कैसे खाओगे एस्ट्रो से, खा के दिखाओ ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी। अभी पहले चम्मच से हिलाओ, ठंडी करो, मैं आपको दिखाती हूँ। सही है भाई, एस्ट्रो में ये देखें ठंडी हो गया ना, खिचड़ी तो गाढ़ी भी होगी थोड़ी थोड़ी, तो एस्ट्रो में मैंने बोला फंस जाएगी, दिखाना भी इसमें गाढ़ी हो गई ना चावल और दाल, दर्द हो रहा। एस्ट्रो में नहीं आ सकती बेटा, ऐसे ही खाओ, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या हुआ, कपड़ा निकाला है ना, ये कपड़ा रखती है ना तो सुकून रहता है ना, मतलब आराम मिलता है थोड़ा। ये लाल हो रहा है पूरा कोने पे, दिखा। हाँ ये चलो इंशाल्लाह सही हो जाएगा बच्ची का। मेरी इस तरफ रख के खा बेटा ठंडा करके, एस्ट्रो रख दो चिकनी हो जाएगी। मैंने बोला ये मजाक ही सीरियस ले लिया इसने, असली कैसे अहमद की तरह। मेरा भाजा है ना अहमद, वो भी ऐसे। चले जी, आज की वीडियो जो है ना मैंने बिस्मा पे ही बनाई थी कि आप लोग दुआ करें, मैं बनाती नहीं, मगर मैंने बोला आप लोग की किसकी दुआ लग जाए पता नहीं, रमज़ान के दिन चल रहे हैं, आप लोग जो है ना दुआ करिएगा। हम तो दुआ करते करते हैं, मगर आप लोग भी दुआ करिएगा। और ये पेट भर के खा लो बेटा, नमक भी लग रहा है ना इसको। ठीक है चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखें गाइस, ये मैंने अफ्तारी तैयार कर ली, और ये महल्ले में से भी अफ्तारी आई है, और ये बिस्मा भी बैठी। बिस्मा तो कुछ भी नहीं खाएगी सिवाय मीठे दही बड़ों के, मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया खिचड़ी के अलावा। मीठे दही बड़े दिखाना, हाँ ये रहे इसके मीठे दही बड़े, ये सब चीज़ें, पालक के पकौड़े, प्याज के छोले, दही बड़े, चाट वगैरह सब चीज़ें हैं। और अभी मैं किचन में लगी हुई हूँ, कुछ खा लेना बेटा। तो ये बस ये छोटी सी हमारी ये अफ्तारी है, बनाती हूं और बन जाती है बेटी। ये देख ये इतनी करीब से बना ली, सही है भाई, दिख रहा है ना आप। ये मेरे आलू के पकोड़े, और ये पकोड़े महल्ले में से आए हैं मिर्चों के। ठीक है ये बेसन ख़त्म हो गया था, तो मैंने आलू की, आलू बचे थे तो मैंने चिप्स फ्राई करने शुरू कर दी। ये मैंने चावल गर्म पे रखे हैं समीर के लिए, मेरा रोज़ा किचन में ही खुल जाता है यकीन करें। चलो ये मैं अंदर रख कर आती हूँ। केचप निकालो ना, ये वाला तो था मीठा, ये लो ये रखो। हाँ भाई, तो इधर था बिस्मा के लिए दुआ कर रहे हैं आप लोग, ये बिस्मा का जो है ना मुंह सही हो जाए, पूरा मुंह आ रहा है इसका, बिस्मा का वीडियो इसके ऊपर बनाई है बिस्मा पे। तो बस सब मिल के दुआ कर रहे हैं, और अभी जो है समीर को भी कहीं मैं बोलता हूँ, उसका रोजा है वो भी दुआ करेगा, आप सब भी मिलकर दुआ करें जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाए। तो फिर यही थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।